लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 एडवांस एग्जाम का सवाल है. क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 केजी इज इनिशियली एट रेस्ट इन एक्स वाई प्लेन एट अ पॉइंट माइनस एल एक्स इक्वल टू माइनस एल एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एच वेर एल इज इक्वल टू 10 मीटर एंड एच इज इक्वल टू 1 मीटर. पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन इन SI यूनिट आर रिप्रेजेंटेड बाय एल वैक्टर एंड टाओ रेस्पेक्टिवली. आई जे के आर यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली. इफ के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू माइनस एच एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. टॉर्क की वैल्यू इतनी व्हेन पार्टिकल रीचेज दिस पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इतनी व्हेन पार्टिकल रीचेज दिस पॉइंट और टॉर्क इज इक्वल टू इतना व्हेन पार्टिकल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस. नाउ सिनेरियो ये है कि ये अपना ओरिजन ओ 0.0, ये अपना ओरिजन. एक पार्टिकल यहां पे ऐसे मूव कर रहा है, ये आपकी इसकी इनिशियल लोकेशन है, ये इनिशियल लोकेशन है एक्स इक्वल टू माइनस एल और एल की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 10 कॉमा एच, एच की वैल्यू 1 मीटर. ये तो ये आपका वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन और एक्सेलेशन इसके अलॉन्ग यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेशन है. एक्सेलेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने को यहाँ दिया हुआ है. अब एल और टाउ जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है अब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन. नाउ पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू एल यानी कि 10 यहाँ पे एट दिस लोकेशन 10.1. एक मिनट, वाई की लोकेशन जो है माइनस एच है, सर ये माइनस वन आएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका प्लस 10.-1. यहाँ पे आने में उसे 2 सेकेंड लगे, पहला ऑप्शन ये है. नाउ इसको ऐसे देखें, अगर हम पहला ऑप्शन इवेलुएट करें और हम कहें कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ यहाँ से यहाँ तक आने का अपना जो डिस्टेंस है, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस है वो माइनस 10 प्लस 10 मिला के अपना हो गया 20. इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलेशन हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. सो नाउ दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है आपका टी जो है टी स्क्वायर उसकी वैल्यू हो गई 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 10 और अंडर रूट ले लेते हैं, टी की वैल्यू दे देगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए सही हो गया. नाउ अब सेकेंड ऑप्शन कहता है कि व्हेन इट पासिस थ्रू पॉइंट, ये वाला जो अपना पॉइंट है एल कॉमा माइनस एच, तब उसका टॉर्क जो है अबाउट ओरिजन उसकी वैल्यू 2K है. जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 4K है. इसको इवेलुएट करते हैं. नाउ टॉर्क जो है उसको हम लिखते हैं, आपने थ्योरी में इसको डिस्कस किया हुआ, टॉर्क है उसको हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ. तो आर वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने एफ वैक्टर के साथ, और इसी के साथ साथ इसकी वैल्यू हम लिखते हैं आर परपेंडिकुलर एफ. ठीक है, आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो एक्चुअली तो आर वेक्टर ये हुआ आपका और फोर्स वेक्टर इधर होएगा. नाउ फोर्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एम ए अपना 0.2 kg, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 2 न्यूटन. तो ये आपका फोर्स 2 न्यूटन का हो जाएगा. ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका फोर्स वेक्टर है. इस टाइम पे इसके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, उसका साइन थीटा लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह. उस सब से बचने के लिए हम कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ओरिजिन के अबाउट वो देख रहे हैं, तो ये आपका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन है, ये आर परपेंडिकुलर हो गया है. तो आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर. नाउ ये आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी होगी 1, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0.-1 है, बिकॉज ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ऐसे बनाएंगे तो ये माइनस वन है. तो आर की वैल्यू हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. नाउ डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये आपका आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, एफ वेक्टर इसको, तो अगर इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके तो इसकी डायरेक्शन 2K कैप आ जाएगी. तो विच मीन्स ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया.
नाउ एल वेक्टर इज इक्वल टू 4k कैप, तो एल वेक्टर है उसको हम लिखते हैं, ये आपका बी पॉइंट बी हो गया, अब हम सी को इवेलुएट कर रहे हैं, ये आपका सी ऑप्शन है, तो एल वेक्टर जो है उस वेक्टर को लिखते हैं आर क्रॉस पी, और इसी को आप लिख देंगे आर परपेंडिकुलर पी. नाउ आर परपेंडिकुलर वन हो गया, यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एम वी. ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर वन है, मास आपका 0.2 हो गया. अब यहाँ पे वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी जब यहाँ पहुँचेगा, एक मिनट, यहाँ पे टाइम अपना 2 सेकेंड लगा है, तो ये हो गया 0 + 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि वेलोसिटी हो गया आपकी 20. इसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो एल हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाय 20, सो ये आ गया आपका 4, और डायरेक्शन इसकी के कैप हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका सही है. नाउ टॉर्क इज इक्वल टू के कैप व्हेन द पार्टिकल पासिस थ्रू पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, -h. इस जगह पे आपके टॉर्क की वैल्यू जो है वो के कैप होगी. नाउ टॉर्क यहाँ पे इवेलुएट करेंगे अगर, तो डी ऑप्शन है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसको हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर एफ. अगेन टॉर्क वेक्टर जो है आर परपेंडिकुलर तो आया है यहाँ पे आपका 1, और एफ जो है एफ की वैल्यू इस दौरान चेंज नहीं हुई है, एफ की वैल्यू सेम वही रहेगी जो पहले आपकी वैल्यू थी, तो क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है उसके ऊपर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2k कैप. तो यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है. इसका मतलब ये है कि आपका ए कॉमा बी कॉमा सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे.